आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं DMD जो बच्चों में होता है उसके बारे में बात करेंगे। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि बच्चों में होने वाली और बच्चों में खास तौर से जो लड़के होते हैं उनमें होने वाली एक प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी बच्चे को ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसका क्या हम इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कितने साल तक इस तरह के बच्चे जो हैं वो जिंदा रह सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो होता है कितना होता है। तो आमतौर पे जो देखा गया है कि DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो 90-95 केस जो होते हैं, परसेंट केस जो होते हैं, वो 15, 16 या 14 साल तक जो है वो जी पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो एक्सटर्नल मसल्स वीक होती है, उसके बाद जो है उनके अंदर की मसल्स भी वीक होने लगती हैं। अगर हार्ट की मसल्स वीक होंगी या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मसल्स वीक होंगी या जो दिमाग है ब्रेन वहाँ की मसल्स वीक होंगी और जो खाने वाला जो पाइप होता है फूड पाइप उसकी मसल्स वीक होंगी और जब इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स जो होती हैं वीक होने लगती हैं तो फिर लाइफ को मेंटेन करना या सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब एलोपैथिक मेडिसिन जो लेते हैं, जो बच्चे ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोग जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो इलाज कराते हैं, तो उसमें जो है कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं लेकिन उसको जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको हम ठीक नहीं कर सकते इन मेडिसिन से। दूसरी चीज़ आती है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से हमारा जो जिन बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका जो लाइफ स्पैन है, उनका जो जीने का जो टाइम होता है उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसी मेडिसिन हैं जिनको अगर आप लेते रहेंगे तो ये जो मेडिसिन होती है ये क्या करती है कि मसल्स को तो ताकत देती ही है, जो CBK बड़ा होता है उसको भी नॉर्मल रेंज में लाती है, साथ में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि सबसे अहम चीज़ होती है, खास चीज़ होती है, उनके मसल्स को वीक होने नहीं देती। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं अगर आप इनको कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो जो लाइफ स्पैन है, जो एक ज़िंदगी होती है बच्चे की, वो उसको मेंटेन करके रख सकता है और उसकी ज़िंदगी काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है ज़िंदा रह सकता है, उसका लाइफ स्पैन जो है काफ़ी टाइम तक ये मेडिसिन बढ़ा देती हैं क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसल्स को वीक होने नहीं देती। तो जिन बच्चों को DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और या दूसरे लोगों को भी अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप इसमें यूज़ करें। होम्योपैथिक जो कम्बिनेशन फार्मूला मेडिसिन है जिसमें कई तरह की मेडिसिन जो है मिक्स करके काफ़ी लंबे टाइम से करीब 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम जो दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो है हमारी मेडिसिन से मिल रहे हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना जो भी प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या DMD या दूसरे किसी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका जो है आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उसके कंडीशन में जो है इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन।